नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ DC वोल्ट मीटर एंड एम्पियर मीटर। दोस्तों, ये मेरा मीटर है वो ख़राब हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सप्लाई दी, लेकिन ये मीटर बिल्कुल डेट हो चुका है। तो अब मैं इस मीटर को रिपेयर करने जा रहा हूँ, तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको इस तरह से निकाल लिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा और क्लिप है, तो आप आसानी से इसको निकाल लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आगे की डिस्प्ले और पीछे का ये सब सर्किट डायग्राम है। तो अब मैं इसको पावर सप्लाई दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पावर सप्लाई दे दी इसमें मैंने, तभी ये मीटर ऑन नहीं हुआ है। तो अब मैं इसको टेस्टिंग कर बताऊंगा। दोस्तों, ये क्यों ऑन नहीं हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 3 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें वोल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा पावर ट्रांसमिशन का जो मॉस्फेट है वो फेल हो चुका है। तो अब मैं इसको कैसे रिप्लेस करता हूँ? तो अब मैं इसको पहले फ्लक्स लगा देता हूँ, उसके बाद सोल्डर की मदद से मैं इसको निकाल लेता हूँ। दोस्तों, आपके पास एयरगन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं सोल्डर की मदद से इसको निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको चिमटी सी मदद से मैं इसको निकाल लेता हूँ। जैसे ही थोड़ा हीट दिया तो ये अपने आप ट्रांजिस्टर निकल चुके हैं। ये पावर रजिस्टर डायोड है। तो दोस्तों, अब ये निकल चुका है। दोस्तों, इस आईसी का नंबर है 6203। दोस्तों, ये 14 वोल्ट से ये 3 वोल्ट सप्लाई दे देती है। तो इस मीटर को ऑन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए। तो दोस्तों, आप इसको 3 वोल्ट से डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ के बराबर सप्लाई आ रही है कि नहीं, अच्छी तरह से सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही। तो अब मैं इसको दोनों को वायर की मदद से सोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं सप्लाई निकाल लेता हूँ इसमें। अब मैं एक तार की मदद से ये दोनों कनेक्शन को शॉर्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ से पॉजिटिव वायर ये सप्लाई पर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसको सोल्डर कर लिया है अच्छी तरह से। ये सोल्डरिंग हो चुका है, अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस कनेक्शन को लगाया तो ये मीटर मेरा ऑन हो चुका है। वोल्ट और एम्पियर की सिर्फ और सिर्फ लाइट आई है। उसके बाद मैं आपको इसको कवर के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो आप अच्छी तरह से लॉक को प्रेस करेंगे तो ये आसानी से फिट हो जाएगा। हाँ, अभी ये फिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें वोल्ट आ चुका है। आप देखिए ये मीटर सिर्फ और सिर्फ ऑन हुआ है। अब मैं इसको एम्पियर का जैक लगा लेता हूँ इसके साथ। दोस्तों, अब मीटर की टेस्टिंग की बारी है। ये एम्पियर का नेगेटिव है, तो उसके साथ मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर लिया, और ये वोल्ट का पॉजिटिव है। तो दोस्तों, मैंने अब इसमें 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्शन की है। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं इसमें 13 वोल्टेज आ चुका है। अब मैं आपको इसके साथ एक मोटर कनेक्शन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एम्पियर भी आ चुका है। तो दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं 0.09 एम्पियर ले रही है। ये बहुत छोटी मोटर है और फैन की मोटर है। तो दोस्तों, आपको देख सकते हैं ये दोनों वायर मैंने शॉर्ट की है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए।